यहाँ पर आज हमारे सामने है स्क्रीन पर संस्कृत का पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस साल बीए फर्स्ट ईयर करने वाले हैं, बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं और वो उत्तर प्रदेश के एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये पेपर बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ नंबर वन, दैट इज़ अ संस्कृत। जो भी बच्चे आगे संस्कृत लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसके आगे आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप पेपर कोड भी अपना जो है देख सकते हैं। तो पेपर कोड में अगर आप देखें तो ये है, और ये मेजर कोर्स में है। मेजर और माइनर दोनों की आपको अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल मैंने जो कवर किया है वो मेजर कोर्स को किया है। तो फिलहाल इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो आप सबसे पहले देख रहे हैं वो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको एक नोट इस तरह होगा। तो आपको देख लेना है कि पेपर पैटर्न लगभग सेम होगा जो भी एनईपी के अकॉर्डिंग देने वाले हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स आपको बता दूँ, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 ही रहेंगे जितने भी एनईपी के अकॉर्डिंग अपना पेपर दे रहे हैं, क्योंकि 25 नंबर आपको हर पेपर के इंटरनल्स में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चों को जो पेपर आएगा वो 75 नंबर का आएगा, और ये प्रीवियस ईयर उन बच्चों के लिए हो जाएगा जिन बच्चों ने अभी तक, जो बच्चे इस साल बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं और वो यूपी के किसी भी कॉलेज में लें, उनके लिए ये पेपर चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे वेरी शॉर्ट में हम लोगों को क्या क्या बताया हुआ है। वेरी शॉर्ट में जो बताया है दैट इज़ अति लघु। अति लघु में यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, संस्कृत के आदि कवि किसे कहा गया है। अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर कितने मार्क्स का आएगा, तो 15 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आने वाले हैं, जिसमें 3 नंबर का हर एक होगा और आपको 5 करने होंगे। तो उन 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = 15 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट आएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले तो यहीं पर लिखा हुआ है ये संस्कृत के आदि कवि किसे कहा गया है, उनकी रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल अप सही आपको लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है उनका संक्षेप में। तो कुछ इस तरह का जो आपका पेपर आया है वो संस्कृत का आया है। इसको आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट से आपका पेपर कवर किया गया है, वेरी शॉर्ट कहाँ से लिए गए हैं, शॉर्ट कहाँ से लिए गए हैं, इसको देखकर ये आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये आपको 15 नंबर के आएंगे और ईच क्वेश्चन आपका कम से कम 7.5 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं। आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि आप जो शब्दों की संख्या है उसका खास ध्यान रखेंगे कि शब्दों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। 200 शब्द होने चाहिए, एटलीस्ट आपका 1.5 पेज ऑलमोस्ट जाना चाहिए, तभी आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ आपकी जो लेंथ कम हो जाती है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी कटते चले जाते हैं। खैर, उसमें तो आप खुद उस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपको आई हुई है ये एक्सप्लेनेशन आई हुई है करने के लिए, और अथवा का मतलब होता है इन दोनों में से एक। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन आए हैं 7, 8 में, तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर ये आया है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, इट मींस विस्तृत क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। तो ये 15 नंबर का एक है और आपको यहाँ पर 3 करने हैं। तो 15 × 45 आपका ये जो पेपर होता है बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है। तो प्रीवियस ईयर से हेल्प हो जाती है, कभी कभी इसमें से एक दो क्वेश्चन फंस जाता है, तो यानी आपके 15 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका लॉन्ग आए थे। तो इस तरीके से आपको, अगर आपके पास भी संस्कृत है तो ये पेपर आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है। तो जो भी संस्कृत के बच्चे होंगे वो बेटर समझ पाएंगे इसको। तो जिनके पास भी संस्कृत है वो इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF मुझसे मांग सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप उससे भी वहाँ से भी ये वीडियो की PDF ले सकते हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है, ठीक है। तो कुछ 13 क्वेश्चंस आप लोगों को आए हैं, कितने मार्क्स का है, कैसे है, ये सब वीडियो में बताया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।